एक नया कॉन्सेप्ट है बीट ई ए टी बीट नई चीज है ध्यान रखिएगा थोड़ा याद करना पड़ेगा हल्का याद करना पड़ेगा बीट यह भी सुपर पोजिशन आप वेव से ही संबंधित है देखो जरा ध्यान से सावधान देखा ये गया यह देखा गया जितने भी वेव के एक्सपेरिमेंट है ये है ये एक्सपेरिमेंट किए गए जितने भी लाइट के कॉन्सेप्ट हैं ये एक्सपेरिमेंट किए गए देखा है गया कि दो साउंड वेव कौन सी वेव? दो साउंड वेव सेम एम्पलीट्यूड की सेम एम्पलीट्यूड की और लगभग सेम फ्रीक्वेंसी की जब मैं लगभग बोल रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है ठीक है जब दो साउंड वेव किसी मीडियम में चलती हैं तो देखा यह गया चूंकि वेव है वो कौन सी वेव साउंड होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं वे ये वाली मुक्का मारने वाली लॉन्गिट्यूडनल होती हैं तो इनके सुपर पोजिशन से कहीं कहीं पर साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है कहीं कहीं पर कम होती है तो ये ज्यादा कम जो होती है इसी फिनामिना को कहा गया बीट समझ में आ गई बात दो साउंड वेव जब किसी मीडियम में चलती हैं सेम एम्पलीट्यूड लगभग सेम फ्रिक्वेंसी की तो उनके सुपरपोजिशन से जो जो रिजल्टेंट रिजल्टिंग साउंड होती है उसकी इंटेंसिटी कहीं पर अभी हम लिखवा रहे हैं पूरे समझा रहा हूँ मैं जब किसी मीडिया में चलती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टिंग साउंड क्रिएट होती है देखा है गया कि उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कहीं पर ज़्यादा होती कहीं पर कम होती है तो ज़्यादा कम होना इसी को कहा गया बीट तो ज़रा लिखिएगा

आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली ये हम बीट ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली देन देन द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग साउंड द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाई दियर सुपर पोजिशन जरा इसका मतलब भी एनालाइज करते रहिएगा क्या बोला जा रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाई दियर सुपर पोजिशन इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कहीं इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करेगी हा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दियर सुपर पोज्यूशन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दियर मतलब दोनों के सुपर पोजिशन से जो नई साउंड मिलती है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दियर सुपर पोजिशन इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस अल्टरनेटली इंक्रीज डिक्रीज करती है बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी ऐसा होती इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस अल्टरनेटली विथ टाइम तो पहले यह सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया कि दो साउंड वेव जब सेम एम्पलीट्यूड की लगभग सेम फ्रिक्वेंसी की एक साथ चलती हैं तो उनके सुपर पोजिशन से उनका जो रिजल्टिंग साउंड क्रिएट होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो अल्टरनेटली इंक्रीज डिक्रीज करती है यह फिनॉमिना जो होता है साउंड का इसको बीट कहते हैं तो लिखिए दिस फिनोमिनन दिस फिनन ऑफ राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कार्ड बीट दिस फिन ऑफ राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कार्ल बीट्स इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कार्ल्ड बीट्स इसको बीट्स कहते हैं समझ आई बात पैराग्राफ चेंज करिए लिखिए वन राइज एंड वन फॉल इज कार्ड वन बीट वन राइस एक बार साउंड राइज हुई एक बार फॉल हुई एक बीट हो गई राइज हुई फॉल हुई एक बीट हो गई वन राइज एंड वन फॉल इज कार्ड वन बीट वन राइज एंड वन फॉल इज कार्ड वन बीट एंड नंबर ऑफ टाइम्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स द इंटेंसिटी राइजेस एंड फॉल्स इन वन सेकेंड ए नंबर ऑफ टाइम्स द इंटेंसिटी राइजेस एंड फॉल्स इन वन सेकेंड इस कार्ड बीट फ्रीक्वेंसी इस कार्ड बीट फ्रीक्वेंसी अच्छा अब हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल इसको यह बीट समझ में आ गया क्या होती मैथमेटिकल नहीं मैथ थ्योरी समझ में आ गई हमने क्या बोला कि दो साउंड वेव जब चलती हैं कैसी होनी चाहिए दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए एम्पलीट्यूड आप जानते हैं ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग इक्वल होनी चाहिए थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा चलेगा तो दोनों के मिलने से जब उनका सुपरपोजिशन होता है होता है तो एक नई वेव बनती है और नई वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो राइज फॉल होती है बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी तो ये जो बढ़ना घटना होता है इसी को कहा जाता है बीट एक राइज एक फॉल वन बीट और नंबर ऑफ राइज एंड फॉल इन वन सेकेंड बीट फ्रीक्वेंसी इसी बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ठीक है अब लिखे एनालिटिकल मैथड एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल मैथड लेट टू साउंड वेव्स लेट टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एन वन एंड एन टू लेट टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एन वन एन एन टू एंड एम्पलीट्यूड ए एम्पलीट्यूड दोनों का ही है एंड एम्पलीट्यूड ए मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विद सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन दो वेव हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एन वन एन टू है और दोनों के सेम एम्पलीट्यूड है दोनों एक साथ एक साथ चल नहीं है दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है ठीक है अब जरा समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाई दीज वेव्स इज गिवेन बाई जरा सुनिए ध्यान से तो पहली वेव का जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ वाई वन वो हो गया ए साइन ओमेगा वन टी माइनस के एक्स क्योंकि आपने कहा दोनों वेव एक साथ चल रही हैं तो दोनों का टाइम भी सेम लिखेंगे जहां पहुंचेगी दोनों एक साथ पहुंचेंगे हाई हेलो करते हुए और दोनों का एक्स भी सेम होगा और वाई टू क्या होगा ए साइन ओमेगा टू टी माइनस के एक्स अब देखिए ये वेव पहुंची कहीं पर एक साथ पहुंची है और किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया भाई हम जब बोल रहे हैं तो हमारे मुंह के पास क्या हो रहा है हमारे पार्टिकल ही तो डिस्प्लेस हो रहे हैं टेक x इज इक्वल टू जीरो अदर भाई बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा आपको रास्ते में हर जगह डिस्टर्ब करेगा जा करके x को जीरो कर दीजिए यानी आप ओरिजिन से स्टार्ट करिए तो y वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा वन टी एंड y टू क्या होगा a साइन ओमेगा टू टी तो जब y इज इक्वल टू लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ पोजिशन तो आएगा y1 वन प्लस वाई टू यानी ए कामन ले लेंगे तो आएगा साइन ओमेगा वन टी प्लस साइन ओमेगा टू टी एक्स को हमने जीरो कर दिया जरा साइन सी प्लस साइन डी लगाइए यहां पर अब आप कहें ना करें जीरो तो तो कोई दिक्कत नहीं है या आपको डिस्टर्ब करेगा इसलिए हमने इसको कर दिया जिससे आपको रास्ते में कहीं डिस्टर्ब ना करे तो आएगा ए टू साइन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू टी बाई टू इन टू कॉज ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी बाई टू ये कॉस का एंगल है ये साइन का एंगल है चूंकि दोनों साइनोसाइडल वेव हैं तो दोनों का जो रिजल्टिंग इफेक्ट होगा वो भी साइनोसाइडल होना चाहिए तो किसको एज्यूम करेंगे टू ए कॉज को कुछ एज्यूम कर लीजिए ये नोट करिए फिर हम रब करें इसको ये बात समझ में आ गई अगर आप चाहें तो शुरुआत से ये लिख लिख सकते हैं आप चाहें तो शुरुआत से लिख देखते हैं एक्स को जीरो माना गया हमने इसलिए नहीं लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि आपने ये वाली क्वेश्चन क्यों नहीं लिखी ये नोट कर लिया अब जरा समझिएगा चूंकि दोनों साइनोसाइडल वेव है तो रिजल्टिंग साउंड कैसी होनी चाहिए साइनोसाइडल तो हमने यहां क्या माना कि लेट टू एस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी इस पूरे को हमने कुछ मान लिया कैपिटल ई सो वाई इक्वल टू क्या निकला ए साइन ओमेगा वन प्लस बाई टू भी है ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू टी बाई टू ये आपकी रिजल्टिंग वे वाई जरा समझिएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर आपको याद होगा जब हम एस पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड और और एक बात बताई थी हमने कि इंटर में आप पहुंचेंगे तो एक लाइट की कॉन्सेप्ट होगा वहां सिद्ध किया जाएगा कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर नहीं करती है लेकिन वेब थ्योरी क्या कहती है वेब थ्योरी कहती है कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर तो पहले हम बात करेंगे फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ज्यादा एम्पलीट्यूड की साउंड ज्यादा तेज साउंड हमने कहा था राइज एंड फॉल ऑफ साउंड तो वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं देखो जरा ध्यान से आपने एम्पलीट्यूड इसको माना है ना यह वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है कौन सी चीज इसमें चेंज हो रही है भाई यही वैल्यू चेंज होगी आपकी कॉज तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए कॉज ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी बाई टू को आप क्या मानेंगे वन मानेंगे या माइनस वन मानेंगे दोनों ही केसेस में एम्पलीट्यूड दोनों में ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है और ये भी मैक्सिमम होता है क्योंकि आपको पढ़ाया गया इंटेंसिटी प्रोपोर्शनेट ए स्क्वायर ठीक है तो एम्पलीट्यूड के लिए आप क्या वैल्यू मानेंगे प्लस माइनस वन दोनों ही केस में मैक्सिमम है ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है केवल यहां डायरेक्शन चेंज हो गई है समझ में आ रही बात नहीं आ रही है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब होता है मीन पोजिशन से ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है तो हमने यहां प्लस माइनस वन माना है अब बताइए कॉज में प्लस माइनस वन वैल्यू किसकी आती है कॉज जीरो वन कॉस पाई माइनस वन टू पाई वन थ्री पाई माइनस वन तो इसको आप कॉज के पाई लिख सकते हैं जहां आप कहेंगे के की वैल्यू जो है वो जीरो वन टू थ्री एंड सन होगी कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं एक एक स्टेप समझते जाओ ठीक है बस आप वो गाना नहीं पौड़ी पौड़ी चलते जाओ जय माता दी कहते जाओ बस पौड़ी पौड़ी चलते जाओ एक एक स्टेप समझते जाओ समझ में आ जाएगा यहां से यहां पहुंचोगे तो टफ पड़ेगा अब जरा समझिएगा जब दोनों तरफ के कॉस को हटाएंगे तो आएगा ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी बाई टू इज इक्वल टू के पाई ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होती है ये मैं रब करते जा रहा हूं साथ साथ में जहां किसी की छूट जाए बता देना ओमेगा को टू एन पाई ले सकते हैं ना तो ये हो जाएगा टू एन वन पाई माइनस टू एन टू पाई टी बाई टू इज इक्वल टू के पाई टू से टू कर जाएगा तो ये आएगा आपका एन वन माइनस एन टू पाई टी इज इक्वल टू के, तू के। तो टी की वैल्यू आ जाएगी के अपान पाई कर जाएगा सॉरी के अपान एन वन माइनस एन टू पॉइंट समझ में आया नोट करिए फिर हम बात करते हैं टेक्निकल चीज है जरा सावधानी से इसको एक्सेप्ट कर पकड़िएगा थोड़ा सा वही बार बार स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ केवल ये क्या है बोले आप उंगली घमातरो बोलेंगे नहीं ये क्या है ये वो टाइम है जिस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है सही कह रहा हूं मैं ये वो टाइम है जिस पर साउंड मैक्सिमम है सही कह रहा हूं मैं यानी अगर मैं के की वैल्यू रखूं तो इस टाइम पे इंटेंसिटी या साउंड मैक्सिमम होगी कहीं सही कह हूं अगर मैं के की वैल्यू और रखूं तो ये टाइम जो वन अपन एन वन माइनस एन टू होगा उसमें साउंड मैक्सिमम होगी अगर मैं के की वैल्यू टू रखता हूं तो इस टाइम में मैक्सिमम होगी इस टाइम में मैक्सिमम होगी यानी कि ये वो टाइम इंटरवल है जिसपे साउंड मैक्सिमम आ रही है ठीक है ठीक है ना अब बताइए दो सक्सेसिव टाइम इंटरवल के बीच जिसमें साउंड मैक्सिमम है वो टाइम कितना है द टाइम पीरियड टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा मैक्सिमा बोले तो मैक्सिमम साउंड मैक्सिमा इनके इनके बीच का कितना टाइम पीरियड है माइनस करो इसको इसमें से इसमें से इसमें इसको माइनस करो यानी ये वन अपान एन वन माइनस एन टू आ रहा है नहीं आ रहा है अब बताओ जरा ध्यान से सुनिएगा अगर दो घटनाओं के बीच में वन अपान टू आर का टाइम हो तो एक घंटे में कितनी बार घटित होगी दो लगातार इवेंट के बीच में वन अपॉइंट टू आर का टाइम हो तो एक आर में वो कितनी बार घटित होगी दो बार अगर दो इवेंट के बीच में वन अपान फोर आर का टाइम हो तो एक घंटे में कितनी बार वो घटित होगी भाई तो वन अपान फोर आर बोले तो पंद्रह मिनट है ना तो यानी कि अगर दो मैक्सिमम साउंड के बीच में वन अपॉइन एन वन माइनस एन टू सेकेंड का टाइम है तो एक सेकंड में कितनी बार साउंड मैक्सिमा होगी बताइए इसे पकड़ो ना फिर समझिएगा दो लगातार सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल है वन अपॉन एन वन माइनस एन टू सेकेंड तो एक सेकंड में कितनी बार साउंड मैक्सिमा होगी इन वन सेकेंड इन वन सेकेंड एन वन माइनस एन टू टाइम्स द साउंड विल बी मैग्जिमा साउंड बोले या वेब बोले साउंड विल बी मैग्जिमा साउंड में आ रही बार नहीं आ रही है भाई देखिए अभी एक घंटे में मतलब ए वन अपॉइंट टू आर में आधे घंटे में मैक्सिमा हो रही थी साउंड तो एक घंटे में दो बार मैक्सिमा होगी वन बाई फोर में से अगर हो रही है तो एक घंटे में चार बार होगी तो अगर वन अपान एन वन माइनस एन टू सेकेंड बार 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 साउंड मैक्सिमा हो रही है इसका मतलब एक सेकंड में कितनी बार मैक्सिमा होगी एन वन माइनस एन टू बार समझ आ गई बात तो ये तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ अब लिखिए फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड बोलेंगे तो अपने आप मालूम हो जाएगा कि वो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और चूंकि यहां बात साउंड की हो रही है तो साउंड की इंटेंसिटी हो जाएगी सेकेंड केस लिखिए फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड बोले तो जीरो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है ध्यान रखिएगा एम्पलीट्यूड मतलब किस पर डिपेंड कर रहा था कॉज के एंगल पर यानी कॉस पाई एन वन माइनस एन टू टी डाइट कर दिया इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए अब बताइए कॉस जीरो कब होता है पाई बाई टू पे थ्री पाई बाई टू पे फाइव पाई बाई टू पे तो हम डायरेक्ट चाहें तो हम कह दें कॉज के पाई बाई टू और के की वैल्यू मैं बता दू वन थ्री फाइव है कोई दिक्कत मैं ऑर्डर नंबर ले लेता हूँ अब आप कहेंगे टू एन माइनस वन क्यों नहीं लिखा लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने के ही लिख दिया और कह दिया के ऑड नंबर है कह सकता हूँ ना तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो पाई एन वन माइनस एन टू टी इज इक्वल टू के पाई बाई टू तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी के बाई टू एन वन माइनस एन टू ये क्या है ये वो टाइम है जिस पर एम्पलीट्यूड मिनिमा था इंटेंसिटी मिनिमा थी साउंड मिनिमा थी तो जब मैं के की वैल्यू रखूंगा तो ये वन अपॉन टू एन वन माइनस एन टू आएगा या थ्री अपॉन टू एन वन माइनस एन टू आएगा या फाइव अपान टू एन वन माइनस एन टू आएगा जरा दो मिनिमा के बीच का टाइम इंटरवल निकालिए द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ना। तो आप अगर निकालेंगे तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू मिनिमम इंटेंसिटी चाहे इंटेंसिटी बोलो चाहे एम्पलीट्यूड बोलो चाहे साउंड बोलो टू मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू वन अपान एन वन माइनस एन टू सेकेंड तो अगर दो लगातार मिनिमम इंटेंसिटी के बीच का टाइम इंटरवल वन अपान एन वन माइनस एन टू सेकेंड है तो ये बताइए कि एक सेकेंड में कितने बार साउंड मिनिमा होगी हाँ सो इन वन सेकेंड एन वन माइनस एन टू टाइम्स इंटेंसिटी विल बी मिनिमम इंटेंसिटी विल बी मिनिमम क्या देखा आपने आपने देखा कि एक सेकेंड में साउंड एन वन माइनस एन टू टाइम्स मैक्सिमा थी एन वन माइनस एन टू टाइम्स मिनिमा थी तो आप लिखेंगे इट इज क्लियर दैट इन वन सेकेंड एन वन माइनस एन टू टाइम्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड एन वन माइनस एन टू टाइम्स इट इज मिनिमम अभी हमने क्या बताया एक सेकेंड में जितनी बार साउंड मैग्जिमा या मिनिमा होती है उसको क्या कहते हैं बीट फ्रिक्वेंसी जितने टाइम में मैक्सिमम नहीं बोला हमने कहा एक सेकेंड में जितनी बार होती है ये टाइम पीरियड तो ये हुआ जाकर के वन अपान वाला सो बीट फ्रीक्वेंसी जो आएगी बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू बोले तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है जैसे आपको ट्यूनिंग फॉर्क सुना है आपने ट्यूनिंग फॉर्क सुना है किसने नहीं सुना चिमटा देखे हो खाए हो <laughs> कोई नहीं बोलेगा वो दिन याद आया जब मम्मी चिमटा लेके दौड़ी थी खाया होगा ना खाया होगा हम लोग कभी कभी खाते थे पहले छोटे में अभी तो नहीं खाते चिमटा देखे हो ना चिमटे की तरह ट्यूनिंग फॉर होता है ऐसे होता है ट्यूनिंग फॉर ऐसे होता है ये चिमटे की तरह ऐसे इसमें इन्हें प्राम कहते हैं प्रॉम्स ठीक है तो ऐसे इसको अगर किसी पैड पे ऐसे दगाओगे दबाओगे तो ऐसे ऐसे उसकी जो प्रॉम्स होती हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं तो ट्यूनिंग फॉर कभी लाइव में देखोगे तो ट्यूनिंग फॉर के यहाँ पर फ्रिक्वेंसी लिखी होगी उसकी फ्रिक्वेंसी लिखी रहती है कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी कितनी है जैसे उसको ऐसे दबाओ चिमटे को देखो अगर चिमटे को थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट कर दो तो उसकी जो टांगे होती है इसको प्रोंग कहते हैं पी आर ओ एन जी तो वाइब्रेट करती है तो उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है तो अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क आपस में एक वाइब्रेट किए जाएं आपस मतलब दो ट्यूनिंग फॉर्क एक साथ वाइब्रेट किए जाएं तो उनकी वेव्स लगातार आगे बढ़ती हैं ठीक है अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रिक्वेंसी 230 हर्ट्ज है और एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी टू थर्टी फाइव है तो बताइए अगर दोनों को एक साथ ऑसिलेट किया जाए वहां से वेव्स प्रोड्यूस की जाएं तो बताइए कि दोनों के द्वारा जो बीट्स क्रिएट होंगी कितनी होंगी तो आप कहेंगे डिफरेंस ऑफ दर फ्रिक्वेंसी ठीक है समझ आ रही बात नहीं आ रही है अब जरा दूसरी पहले तर... ये नोट कर लीजिए अब दूसरी तरीके से समझिएगा अगर मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क दे दूं एन वन फ्रिक्वेंसी है ये मैं दे दूं आपको दे दिया पहले से हमने और हमने दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क दिया जिसकी फ्रिक्वेंसी हमने नहीं दी और दोनों को हमने वाइब्रेट किया दोनों से वेव निकली और वेव को हमने देखा और उनके बीट्स काउंट किए और बीट्स निकले एक्स तो आप एन टू क्यों क्या बताएंगे भाई आप जानते हैं कि दोनों की फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है वही नंबर ऑफ बीट्स होता है बीट फ्रिक्वेंसी होता है यही है ना आपने अभी दोनों की फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस को ही बीट कहते हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि दूसरी वाली जो वो है वो ट्यूनिंग फार्क वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का है या कम फ्रिक्वेंसी का है तो यानी ये एन वन माइनस एन टू भी हो सकता है एक्स और ये एन टू माइनस एन वन भी हो सकता है एक्स नहीं हो सकता है भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ट्यूनिंग फार्क है टू थर्टी वाला और इसको किसी और ट्यूनिंग फार के साथ वाइब्रेट किया गया ऑक्सीडेट किया गया और फ्रीक्वेंसी आई फाइव तो हो सकता है दूसरे वाले की फ्रिक्वेंसी टू ट्वेंटी फाइव नहीं हो सकता है क्योंकि तो दोनों का डिफरेंस फाइव होना चाहिए ना हमको क्या मालूम दूसरा वाला कम वाला ज्यादा वाला है तो जब एन टू की वैल्यू यहां से निकालोगे तो एन टू होगा एन वन प्लस माइनस एक्स ठीक है तो ये तरीका होता है न्यूमेरिकल का एक थोड़ा टेक्निकल तरीका यहां पर होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे